हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर थर्ड का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग 3.1 सॉल्व किए थे, अब जो है 3.2 का दिया गया है आपको सॉल्व करने के लिए। इसमें भी सब्ट्रैक्शन ही है, उसमें भी सब्ट्रैक्शन आपको दिया गया था। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या आपको दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करना, जिसको हिंदी में कह सकते हैं घटाना या घटाया जाता है। मीन्स जो संख्या दी गई रहती है उसमें से जो नीचे संख्या माइनस में रहती है उसको उसमें से माइनस कर लिया जाता है, कम कर लिया जाता है, या उसको हिंदी में कहें तो घटा लिया जाता है। तो यहाँ पे दिया है, देखिए संख्या ये है 99 और 74। 99 में से 74 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले वंस प्लस की तरफ से शुरू करेंगे। वंस टेंस ये जो होते हैं, तो पहले हम वंस की तरफ से शुरू करेंगे। यहाँ से तो 9 माइनस 4 कर देंगे, 9 में से 4 आप माइनस कर लेंगे। तो जब 9 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, 5। इसके बाद 9 फिर है तो 9 माइनस 7 करेंगे। अब ये वंस का हो गया आपका, तो अब टेंस वाले प्लेस पे आएंगे। अब यहाँ पे 9 माइनस 7 करेंगे, 2 हो जाएगा, 2। तो आंसर कितना आया, 25। 25 तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरे में जो दिया है 76 माइनस 6, ये 76 माइनस, ओनली 6 माइनस करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 6 माइनस 6 यानी 6, जो 6 संख्या हो 6 में से 6 अगर यानी 6 में से 6 को निकाल दें तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी यहाँ पे 0 बचेगा। 6 माइनस 6 अगर करेंगे, 6 में से 6 अगर माइनस होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। और ये जो है 7 है, तो 7 के नीचे कोई संख्या नहीं है, इसलिए 7 को हम इसी तरह से लिख देंगे, 7। तो यहाँ जो हो गया कितना, 70। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें कुछ है, 12 वाला दिया है, यानी ये देखिए क्वेश्चन सी जो है, यहाँ देखिए वंस प्लस पे 0 है और नीचे 2 है, तो 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा क्योंकि ऊपर संख्या कम है। तो क्या किया जाता है इसके लिए, उसके राइट साइड यानी 10th प्लेस जो है, 10th प्लेस से आप एक बोरो लेंगे। यहाँ से 1 जो है आप बोरो लेके जाएंगे, 1 1 यहाँ से लेके जाते हैं बोरो, लेकिन यहाँ जाने के बाद 10 ऐड हो जाता है, 10। तो जब यहाँ से 1 आएगा तो यहाँ 10 ऐड होगा, तो 10 में 0 जब ऐड होगा तो क्या होगा, 10। ये 10 हो गया। अब 10 माइनस 2 हम करेंगे, 10 से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 8। और फिर यहाँ देखिए 5 में से 1 हम बोरो लेके गए हैं उस साइड, 5 में से 1 निकल गया है, तो बचा कितना, यहाँ 4 बचा हुआ है। यहाँ कितना बचा है, 4 बचा है। अब 4 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से जब 4 को माइनस कर देंगे 0 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगला जो है डी है, इसमें आपको बोरो नहीं लेना है क्योंकि 8 माइनस 7 करना है तो हो जाएगा। इसमें देखिए ई में, यहाँ ऊपर 8 है नीचे 9 है, 9 अधिक है 8 कम है, तो क्या करेंगे आप इस टेंस वाले प्लेस पे जो 8 है इससे आप 1 बोरो ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 18। 18 हो जाएगा। अब 18 माइनस 9 करेंगे और यहाँ बचेगा कितना, तब 7। 7 माइनस 4 तब करेंगे, इसमें आप सिंपल सा करेंगे 8 माइनस 1 कर देंगे और फिर 8 माइनस 6 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। राइट इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, राइट इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, इसको आप कॉलम में लिखिए और फिर सब्ट्रैक्ट करिए।
तो कॉलम में कैसे लिखेंगे आपको बताते हैं। देखिए जो संख्या दी गई है 88 माइनस 66, ये संख्या आपको इस तरह से दी गई है, और यहाँ पे वंस और टेंस ये लिखा गया है। इसके बाद कह रहा है कि आपको कॉलम भी लिखना है, तो कॉलम में क्या होता है, संख्याओं को ऊपर नीचे रख देंगे, कॉलम में रख करके सबट्रैक्ट करेंगे। तो 88 जो संख्या बड़ी है उसको हम ऊपर लिखेंगे, 88 यहाँ लिख देंगे, और ये 66 जो है वो वंस और टेंस के प्लेस पे लिख देंगे, उसके नीचे, जस्ट नीचे, यहाँ माइनस का मार्क लगा के हम सबट्रैक्ट कर देंगे। आपकी बुक में ये बनाया गया है बॉक्स, आप उस बॉक्स में भी भरेंगे। तो अब देखिए ये संख्या हम कॉलम में कर दिए, इसी को कहा जाता है कॉलम, कॉलम मेथड। तो अब ये जो 88 था, 88 को हम वंस और टेंस के प्लेस पे रख दिए सबसे ऊपर। इसके बाद 66 माइनस करना है, 66 को उसके नीचे रखेंगे। अब हम यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे, 8 माइनस 6 2 बचेगा, फिर 8 माइनस 6 2 बचेगा, तो इस तरह से 22 आंसर आएगा। अगला देखिए बी में, 75 माइनस 52, 75 माइनस 52, इसको भी इसी तरह से आप कॉलम कॉलम में लिख लेंगे। 75 हो गया और ये 52, माइनस कर देंगे इसको भी, 5 माइनस 2 करेंगे क्या होगा 3, और 7 माइनस 5 कर देंगे तो क्या होगा 2, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही, थैंक यू।